जो राज्य ऐसे हैं जहाँ सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, जहाँ लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं, और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना दे रहे, अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4,100 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8,400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहार के लिए, सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें, ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि इन लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है। वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटिंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड, आर आर्मीज एंड आवर डिफेंस फोर्सेज आर सेकेंड टू नन, बट देयर वैलर, देयर स्ट्रेंथ एंड देयर डेडिकेशन टू द नेशन शुड बी रिगार्डेड एंड रिस्पेक्टेड फॉर फ्यूचर जनरेशन, एंड वी ऑल फील दैट बाई कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज इट मे नॉट आर्ग्यू वेल फॉर आर फ्यूचर एंड फॉर द फैमिलीज ऑफ दोज पीपल हु हैव विलिंगली डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ द नेशन। तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा, लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाना तरीके से इस सरकार ने डील किया है, और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, हम इसके विरोध में हैं। और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया।